नमस्कार। आए दिन अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए देवी देवताओं के तीर्थ धामों पर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखने में आया है कि ऐसे में तीर्थ धामों पर जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ होने वाले खतरनाक हादसे भी बड़े हैं। आए दिन किसी दुर्घटना से श्रद्धालुओं के मरने की खबर सामने आती रहती है। ऐसी एक खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के सिथोली थाना क्षेत्र से सामने आई। देखें हमारी यह पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के सिथोली थाना क्षेत्र में NH-24 पर दो ट्रकों ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार चार लोगों की मौत हो गई। बताया गया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर एक ही परिवार के 35 सदस्य सवार थे और एक तेज रफ्तार ट्रक ने आगे से जबकि दूसरे ने पीछे से उसमें जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में 30 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली दो ट्रकों के बीच में आ गई थी, जिससे एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। स्थानीय पुलिस ने बताया ये घटना बुधवार रात की है, जब शाहजापुर के रोजा क्षेत्र के 35 लोग एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर बाराबंकी के देवा शरीफ तीर्थ स्थल पर मुंडन संस्कार के लिए जा रहे थे। पुलिस के अनुसार जब ये लोग सिथौली शहर पहुंचे तो तेज बारिश हो रही थी और तभी एक ट्रक ने उन्हें आगे से जबकि दूसरे ने पीछे से टक्कर मार दी। आइए अब समझते हैं आखिर तीर्थ स्थल होते क्या है, क्यों यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, आखिर तीर्थ स्थल कैसे बने। तीर्थ स्थल पहले एक ऐसा स्थान होता था जहाँ पर किसी साधक ऋषि ने किसी स्थान विशेष पर बैठकर अपनी साधना की हो और यदा कदा अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्राप्त सिद्धियों से श्रद्धालुओं को छोटे मोटे लाभ दिए हो। वो साधक अपना समय पूरा होने पर अपनी भक्ति कमाई के आधार पर तथा अपने गंतव्य लोक को प्राप्त हो जाते थे, लेकिन उस साधना स्थल को भोले भाले लोग तीर्थ या धाम मान लेते हैं। लेकिन अब कोई साधक उस तीर्थ स्थान पर दर्शनार्थ जाता है तो उससे कोई लाभ नहीं, क्योंकि अब वहाँ ना तो कोई संत है जो उपदेश दे और ना ही वो भक्ति का साधन है जो उस संत ने की थी। तत्वदर्शी संतों ने तीर्थ धाम को एक हमाम दस्ता बताया है। हमाम दस्ता उस चीज को कहते हैं जिसमें सामग्री को कूटा जाता है। ये प्रसंग कुछ इस प्रकार है। एक दिन एक व्यक्ति अपने पड़ोसी का हमाम दस्ता मांग कर लाया। उसने उस हमाम दस्ते में हवन की सामग्री कूटी तथा धूम मांझ कर लौटा दिया। जिस कमरे में हमाम दस्ता रखा था उस कमरे में से भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। घर के सदस्यों ने देखा कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है तो पता चला कि हमाम दस्ते से आ रही है। वो समझ गए कि पड़ोसी ले गया था, उसने इसमें कोई सुगंध वाली वस्तु कूटी है। कुछ दिन बाद वो सुगंध भी आनी बंद हो गई। सामग्री कूटने वाले ने अपनी सामग्री कूट कर निकाल ली और खाली हमाम दस्ता लौटा दिया। अब कोई उस हमाम दस्ते को सूंघकर ही कृतार्थ माने तो नादानी है। उसको हवन सामग्री का लाभ तभी मिलेगा जब वो स्वयं हवन सामग्री लेकर आएगा। ठीक इसी प्रकार किसी तीर्थ धाम पर रहने वाला पवित्र आत्मा तो राम नाम की सामग्री कूट कर अपनी सर्व कमाई को अपने साथ ले गया। बाद में अनजान श्रद्धालु उस स्थान पर जाने मात्र से कल्याण समझे तो निश्चित ही उनके गुरुओं द्वारा दी गई शास्त्र विधि रहित साधना का ही परिणाम है। उसका कल्याण तो तभी संभव है जब वो महान आत्मा संत जी के बताए अनुसार साधना करे। उसके लिए मुमुक्षु साधक को तत्वदर्शी संत की खोज करके उससे उपदेश लेकर आजीवन सद्भक्ति करनी होगी, तभी वो साधक पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर पाएगा। कहते हैं कि अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान। जैसा कि आपने देखा, सद ग्रंथों के सही से न समझ पाने की वजह से अक्सर लोग शास्त्र विरुद्ध साधना कर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, जबकि वर्तमान समय में शास्त्र अनुकूल भक्ति केवल संत रामपाल जी महाराज ही देते हैं। आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।